हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पावर, व्हाट इज़ रियल पावर, व्हाट इज़ रिएक्टिव पावर, व्हाट इज़ अपेरेंट पावर और व्हाट इज़ पावर फैक्टर। ये सब टॉपिक्स के लिए मुझे कई सारे लोगों ने कई टाइम रिक्वेस्ट की थी। इसी का कारण है कि ये वीडियो जो आज बनाने वाला हो और बहुत ही आसानी से आपको समझे, इस प्रकार से मैंने शब्द का प्रयोग करके, एग्जांपल का प्रयोग करके बताने की कोशिश करूँगा। याद रखिए, वीडियो बहुत ही लेंथी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को दो हिस्से में मैंने डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैं कवर अप करूँगा पावर के रिलेटेड, रियल पावर और रिएक्टिव पावर को। दूसरे हिस्से में अपेरेंट पावर और पावर फैक्टर को मैं कवर अप करूँगा। तो दूसरा अगर हिस्सा आपको देखना है तो यहाँ पे जो आई का आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको दूसरा हिस्सा वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, मतलब पावर क्या है, रियल पावर क्या है, रिएक्टिव, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो टॉपिक्स है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आपको एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, एनर्जी मैनेजमेंट टीम के लिए, यानी कि जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं उसमें एक डिग्री रहती है मैनेजमेंट टीम इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे आपको काम में आएगा। कंप्यूटर एग्जाम्स में काम आएगा, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में काम में आएगा, एनर्जी मैनेजमेंट के कोर्सेज में आपको कई सारी जगह पे इसके डिस्कशन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें रहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आमतौर पे एग्ज़ाम के रिलेटेड ये बहुत ही काम में आती है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इसको एकदम डिटेल में सीखने वाले। याद रखिए कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ होती है? तो इलेक्ट्रिकल पावर जो रहता है वो रेटेड पर यूनिट ऑफ टाइम रहता है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो आपके घर पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेज जिसको बोल सकते हैं, एयर कंडीशन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये जो चीज़ें चलती है जिस एनर्जी से, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। और इसको मापा जाता है वैट के अंदर। अगर आप पंखा निकाल के उसके ऊपर जो लेबल रहता है उसके अगर चेक करोगे तो वहाँ पे वैट के हिसाब से 200 वैट, 60 वैट, 70 वैट ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो वैट जो है वो यूनिट है पावर का, पावर को मापने का एक ज़रिया है। उसका जो टेक्निकल टर्म है 1 जूल पर सेकेंड बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूजुअली प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बनाया जाता है? तो जनरेटर के ज़रिए। और दूसरा एक तरीका है बैटरी के ज़रिए, यानी कि जो डीसी सप्लाई है वो बैटरी के ज़रिए बनता है, और जनरेटर के ज़रिए बनता है वो हमारा एसी सप्लाई आमतौर पर रहता है। उसमें डीसी भी बनता है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आई आपको बात? लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके घर पर जो पावर सप्लाई हो रहा है, जिससे टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चल रहा है, आपका जो बिजली का बिल आ रहा है वो क्या उतना का पूरा इस्तेमाल किया है कि बिजली का बिल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है? ऑफकोर्स आपको ऐसा लगता रहेगा, यार मैंने तो इतना इस्तेमाल ही नहीं किया लेकिन इतना बिजली का बिल क्यों आया मेरा, ये परफेक्ट है समझना। तो इसी ये जो टर्म है ना, ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि इतना बिजली का बिल कैसे आता है, क्या हम लोग पूरा इस्तेमाल कर रहे, जितना मैं पैसा दे रहा हूँ क्या उतने पूरी बिजली का मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? तो ये चीज़ों को समझने के लिए ही ये आपको समझना पड़ेगा रियल पावर को, रिएक्टिव पावर को, अपेरेंट पावर को और पावर फैक्टर को। तो ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोई भी इलेक्ट्रिकल वाले बंदे लोग के लिए। तो ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टैली, ऑटो कैड, डीटीपी, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ऐसे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया इस पर खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी ये जो तीन टर्म मैंने बताया, रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर और साथ ही साथ पावर फैक्टर, ये सब चीज़ों को हम लोग अभी एक एक करके सीखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियल पावर। ये सब टर्म सीखने के लिए आपको मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई रहता है, तो ये जो रियल रिएक्टिव जो है ना वो डीसी के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये खाली केवल एसी सप्लाई के लिए लागू होता है। डीसी के लिए क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा साइन वेव, यानी कि वेव फॉर्म से नहीं था, फ्रिक्वेंसी नहीं रहती, इस कारण यहाँ पर ये चीज़ जो टर्म्स है वो लागू नहीं होता है। खाली एसी सप्लाई में ही ये टर्म्स को लागू किया जाएगा। ओके, तो समझाने के लिए मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ कि हम लोग जो भी टर्म्स पढ़ेंगे वो एसी सप्लाई के रिलेटेड सीखने वाले हैं।
तो अभी ये जो रियल रिएक्टिव और ये सब चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर इतना बड़ा नाम, उसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस मौके के दरमियान। अभी फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे वेव फॉर्म्स दिए हैं, ये देखिए, ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ये हमारा वोल्टेज है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है हमारा करंट है, और ये पावर है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने सप्लाई अभी चालू किया और एक क्षण पे मैं उसको रोक लेता हूँ, या एक क्षण पे मैं उसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो मैं बताऊँगा कि भाई इतना वोल्टेज है, इतना करंट है। तो उस क्षण को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस क्षण के दरमियान चेक किया गया पावर। तो इंस्टेंटेनियस जब भी पावर रहता है, तो पावर यानी कि इंस्टेंटेनियस दरमियान जो अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे पावर की रेटिंग भी आपको समझ में आती है। अभी ये पावर जो है ना, ये येलो कलर में आपको दिख रहा है वो पावर है। पावर कैसे बनता है? तो वोल्टेज और करंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि पावर का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट को मिला दूँ, इंटू करूँ, तो मुझे मिल जाता है पावर। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंस्टेंटेनियस पावर जो रहता है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना है, वो हमें पावर दर्शाता है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो पावर जो है वो प्लस में रहेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर इस दरमियान अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों जीरो है। फिर वापस यहाँ पे आप देखोगे तो वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, लेकिन जो पावर है वो इक्वल रहेगा। बात समझ में आ रही है कि पावर जो है आपका पॉजिटिव में रहेगा। फिर वापस यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं, फिर दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर वापस दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन पावर हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। इतना समझ में आया? इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपको पावर दिमाग में नहीं भी बैठता ना, तो छोड़ दो। आप ऐसा समझो कि एक मौके पर अगर मैं वोल्टेज और करंट मापता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला रहता है, वोल्टेज इंटू आई यानी कि करंट करूँगा तो मुझे पावर का रेटिंग मिल जाएगा। सिंपल, यानी कि वैट कैसे मिलेगा, तो वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू वैटेज। क्लियर? अभी बात करते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस पावर जो रहता है, उसके दो प्रकार रहता है। एक पॉजिटिव भी हो सकता है पावर, और नेगेटिव भी पावर हो सकता है। ये कैसा होता है पावर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कैसे? तो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आओ तो खाली पॉजिटिव पावर दिख रहा है, नेगेटिव तो आया नहीं। लेकिन यहाँ पे होता यूँ है कि जब भी एसी सप्लाई से अगर मैं सप्लाई लोड की तरफ देता हूँ, तो उसके हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पावर। लेकिन इसका विपरीत, अगर लोड अगर एसी सप्लाई को पावर देता है, यानी कि पावर अगर उल्टा बहता है, ओके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव पावर। पावर के दो टर्म्स आपको समझ में आए? सबसे पहले पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होता है? अगर आप सप्लाई दे रहे हो एसी सप्लाई के जरिए, लोड पे अगर सप्लाई जा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव पावर। अगर लोड जो है कुछ कारणवश सप्लाई को पावर देता है, यानी कि पावर अगर उल्टा आ गया, लोड से पावर सोर्स की तरफ आता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव पावर। ये सोर्स है और ये लोड है, ये सोर्स है, ये लोड है। तो नेगेटिव पावर का मतलब है उल्टा करंट वापस आ रहा है। इसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के दो प्रकार है, एक पॉजिटिव पावर और एक नेगेटिव पावर। ओके, ये टर्म्स बहुत समझना ज़रूरी था, क्योंकि आगे के जो है रियल पावर रिएक्टिव पावर को समझने के लिए ये टर्म्स पहले समझना ज़रूरी था, इस कारण मैंने इंस्टेंटेनियस पहले बताया आपको। अभी हमारे घर पे जो लोड रहता है ना, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ भी बोलो, नेगेटिव पावर कभी आता है लोड से, कभी नहीं आता है। ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग लोड का इस्तेमाल करते हैं ना इलेक्ट्रिकल, वो तीन प्रकार से होता है। हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन प्रकार के लोड का इस्तेमाल होती है। एक रहता है रजिस्टिव लोड, एक रहता है इंडक्टिव लोड, और एक रहता है कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल वायर से अगर ट्यूबलाइट चला दी, तो उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब है मोटर से मोटर चलाना, फिर फैन चलाना, ये एक प्रकार की इंडक्टिव लोड की मतलब व्याख्या है। और कैपेसिटिव लोड का मतलब है जहाँ पे कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है, कुछ स्टोरेज का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं कैपेसिटिव लोड। तो हमारे घर पे जो इक्विपमेंट्स रहता है ना, वो तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। रजिस्टिव लोड जो रहता है उसमें जो पावर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव के अंदर जो पावर रहता है वो अलग है, यानी कि नेगेटिव पावर भी हो सकता है। कैसे, तो आगे हम लोग ये सब चीज़ों को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके कारण ही मैंने ये सब बताया,
वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं पावर को चेक करूँ उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। वैटेज जो रहता है पावर कैसे मालूम पड़ता है, तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमें मिल जाता है। पावर जो रहता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सोर्स से लोड तक जाता है तो उसे हमें पॉजिटिव पावर बोलेंगे, और लोड से अगर कुछ ही कारणवश कि हमारे सोर्स के ऊपर वोल्टेज जा रहा है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव पावर। ठीक है, पावर जो हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड इस्तेमाल करते हैं वो तीन प्रकार से रहता है, एक रजिस्टिव रहता है, इंडक्टिव रहता है और एक कैपेसिटिव लोड रहता है। ओके, इतना समझ में आया। चलिए अभी शुरुआत करते हैं रियल पावर क्या है। ओके, तो रियल पावर ये पिक्चर का नाम नहीं है, रियल पावर का मतलब होता है कि जो पावर एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रियल पावर के अलग भी नाम है, जैसे कि एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, वेटफुल पावर, यूजफुल पावर, एक्टिव पावर, बहुत सारी जगह पे अलग अलग नाम रहता है, इसलिए मैंने नाम पहले आपको बता दिया। अभी मैंने मान लो कि एसी चालू किया, ओके, और मेरा जो है इलेक्ट्रिकल लोड एसी की तरफ जाना शुरू हो गया, और एसी ने एक्चुअल में कितना लोड खाया और मुझे उसकी जब पे बिल कितना आया, तो जितना लोड खाया एसी ने उससे ज़्यादा बिल आया, तो बिल मेरा आना चाहिए रियल पावर के हिसाब से। ओके, यानी कि मान लो कि एक सर्किट है उसमें से मेरा करंट जो है पास होता है और एक रजिस्टिव के जरिए इधर से करंट सर्किट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे जो करंट इसने कितना लोड ने कितना करंट खाया उसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पावर। बात समझ में आई? एक जो पंखा है उसको चलने के लिए जितनी ताकत चाहिए उसमें से कुछ ताकत वेस्ट रहती है, लेकिन जो ताकत उसने एक्चुअल में कंज्यूम की है उसे हम लोग बोलेंगे रियल पावर। ओके, ये जैसा हम लोग ने इंस्टेंटेनियस पावर जो देखा उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये रजिस्टिव पावर की बात हो रही है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे करंट और जो वोल्टेज है वो सेम दिशा में ऊपर और नीचे जा रहा है। ये देखिए, अगर यहाँ पे करंट और वोल्टेज ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे अगर वो प्लस में आ गए फुल लोड पे तो यहाँ पे भी प्लस में है। तो इस तरह से उसका जो फ्रिक्वेंसी रहती है ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन एक ही साथ में दोनों चल रही है, इसलिए पावर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। देखिए रजिस्टिव केस में क्या होता है, पावर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, तो रियल पावर की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो रियल पावर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये चेंज नहीं करता अपना डायरेक्शन, और ये जो रहता है वो सोर्स से लोड तक पावर जाता है। यहाँ पे ये इसको पॉजिटिव पावर बोलते हैं क्योंकि ये सोर्स से लोड तक जाने वाला है, और इसका जो पावर का जो रेटिंग रहता है वो वैट के ज़रिए दर्शाया जाता है। इतना समझ में आया एक्टिव पावर क्या है। अभी शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अभी आपने ये एग्जाम्पल काफ़ी सारी जगह पे देखा रहेगा, इंटरनेट पे भी देखा रहेगा, लेकिन अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो कि ये एक मग है जिसमें मैंने सोडा भरा हुआ है, थम्सअप या पेप्सी कुछ भी भरा है, उसे कोई हमें लेने देना नहीं है। ठीक है, तो ग्लास में जितना मैंने पेप्सी भरा है इतना ही पेप्सी भरा है, तो ये और इतना तो जाग है जो हमारे काम का नहीं है, हमारे कुछ भी काम में नहीं, हम लोग जाग पीते हैं क्या? नहीं, वो तो उड़ जाता है, करेक्ट। या तो इतना जो है हमारे लिए वो पेप्सी है जिसको हम बोलोगे एक्टिव पावर, इतना हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये हमारे लिए वेस्टेज है जिसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव पावर। ओके, समझ में आया? तो ये जितना ग्लास भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये समझो एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन ने इतना पावर लिया उसमें से इतना ही पावर उसने खुद ने कंज्यूम किया, बाकी ये तो खाली इक्विपमेंट को चलाने के लिए लग गए जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया। तो अभी रिएक्टिव पावर को समझ लेते हैं एक बार दोबारा। रिएक्टिव पावर का मतलब होता है कि एक एसी सर्किट के अंदर मैं अगर वोल्टेज और करंट डालता हूँ तो फेज डिफरेंस आता है कभी कभार, उस फेज डिफरेंस के अंदर मतलब रिएक्टिव पावर को बोला जाता है VAR, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, इसका नाम है। भी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो एक मोटर है, मोटर को जब भी चालू करते हैं तो मैंने आपको बताया था मोटर्स के वीडियो में कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, करेक्ट, तभी जाके मोटर का जो रोटर है वो घूमने की शुरुआत होती है। लेकिन उसी दरमियान अंदर ऐसी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो मोटर को चलाने के लिए रुकावट पैदा करती है। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फील्ड दिख रही है और ये फील्ड, आपको दोनों अलग अलग फील्ड दिख रही है, तो इसमें से कुछ फील्ड जो है वो आपको मोटर को चलाने का काम करेगी, लेकिन दूसरी प्रकार की जो फील्ड है वो मोटर के अंदर रुकावट पैदा करने का काम करेगी, उस फील्ड को बोला जाता है रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्टिव पावर जो रहता है, ये रिएक्टेंस जो रहता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको बताया एग्जांपल मोटर का वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का एग्जांपल था।
तो अभी मैं इसके लिए थोड़े से आपके जो मैक्स के टर्म्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं मान लो एक एग्जांपल देने के तौर पे बता दूँ कि मैंने -6 और +10 लिया, तो उसकी फिगर क्या आएगी? +4 आएगी। क्यों +4 आई? तो माइनस और प्लस मिला के माइनस होता है। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा? आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन माइनस है और माइनस है तो क्या होगा? प्लस। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों फिगर की वैल्यू अगर माइनस में है तो मेरी आउटपुट क्या निकलेगा? प्लस में निकलेगा। अगर कोई भी एक फिगर की वैल्यू माइनस में है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये टर्म्स आराम से देख लेना। ये कुछ सरल सम्स मैंने दिए हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आधार पे अपना अगला टॉपिक चालू हो रहा है, इस वजह से मैंने ये बताया। अभी रिएक्टिव पावर को और थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटिव डायग्राम दिया है, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसका डायग्राम दिया हुआ है। मान लो कि एक रोड है, लोड है, सॉरी सोर्स है एसी का, और यहाँ से मैंने एक लोड लगाया जो कि कैपेसिटिव लोड है, और इसके अंदर अगर मैं एसी सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, इस पे क्या असर होगा? तो यहाँ पे होगा एक फेज डिफरेंस जनरेट होगा। ये करंट और कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर का जो वोल्टेज जा रहा है उसके बीच में 90 एंगल का एक फेज डिफरेंस जनरेट होगा। यानी होगा क्या कि इस दरमियान जब भी करंट और जो वोल्टेज जो पसार हो रहे हैं फ्लो के अंदर, वो करंट अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उस दरमियान एक पोजिशन पे प्लस में रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये ज़ीरो होता है तभी ये उसकी कुछ वैल्यू रहेगी करंट की, फिर करंट जब भी ज़ीरो रहेगा तो वोल्टेज माइनस में रहेगा लेकिन उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। दोनों एक साथ में ज़ीरो नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है? यानी कि जब ये माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिला के क्या होगा? माइनस। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, पावर का वेवफॉर्म मैंने पीछे दिया है यहाँ पे, ये आगे का जो है वी है यानी कि वोल्टेज है, और ये करंट है, और पावर उसकी जगह पे कैसे हो रहा है तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों जो है वो पॉजिटिव में है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव में है। यहाँ पे करंट जो है नेगेटिव में है लेकिन वोल्टेज जो है पॉजिटिव में है, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसके लिए यहाँ पे पावर नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों नेगेटिव में है, इसलिए करंट क्या हो गया, मतलब वोल्टेज पावर क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके, इसी प्रकार से वापस यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए पावर क्या हो गया? माइनस। तो इस तरह से प्लस और माइनस का जो पावर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो समझने में, समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर पहले से वीडियो को देख रहे अच्छी तरह से आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि जब ये वोल्टेज प्लस था करंट माइनस था तो हमारा पावर क्या मिला? आउटपुट माइनस। इसी प्रकार से जब ये वोल्टेज प्लस हुआ करंट भी प्लस हुआ तो पावर भी हमें क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा। फिर वोल्टेज प्लस है और करंट, समझो वोल्टेज माइनस और करंट प्लस है तो भी हमें पावर क्या मिलेगा? माइनस। तो इस तरह से प्लस माइनस करके अपने को आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव जो पावर का मतलब क्या हुआ कि जब भी कैपेसिटर को अगर मैं पावर सप्लाई देता हूँ तो एक समय तक कैपेसिटर चार्ज करेगा, और जैसे ही मैं पावर सप्लाई कट कर दूँ तो कैपेसिटर खुद के अंदर जो चार्ज किया हुआ करंट है वो बाहर फेंकेगा, जो कि हमारे कुछ काम में नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव पावर। आई होप कि अभी नेगेटिव पावर आपको समझ में आ जाएगा कि लोड से सोर्स तरफ कैसे आया करंट। ओके, तो ये था नेगेटिव पावर का पूरा फंडा। अभी हम लोग रिएक्टिव पावर की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि जो रिएक्टिव पावर रहता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो पावर रहता है रिएक्टिव पावर, वो यूजफुल नहीं होता है, हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है। ये खाली दर्शाता है कि जो पावर है वो वापिस आया, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। देखो, इट इज़ नॉट यूज फॉर यूजफुल वर्क, यानी कि इसका इस्तेमाल यूजफुल कामों के लिए नहीं हो सकता। इट ओनली रिप्रेजेंट द पावर विच गोज़ बैक एंड फ्रंट विदाउट डूइंग एनी यूजफुल वर्क, यानी कि उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जो पावर रिटर्न आता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिव पावर। और इसका जो लेटर है, डिनोमिनेशन लेटर है क्यू, उसको मेजर किया जाता है VAR के स्वरूप में। ओके, और इसके अंदर दो, मतलब इसके अंदर नॉन लीनियर डिवाइसेस है जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर, उसमें से जो पावर हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। समझ में आया रिएक्टिव पावर क्या है? तो रियल पावर जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने एक्चुअल में किया, रिएक्टिव पावर यानी ऐसा पावर जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते लेकिन है, वो प्रेजेंट है। क्यों हुआ?
कैपेसिटर की वजह से, इंडक्टेंस की वजह से जो हमें पावर मिला है जिसका इस्तेमाल एक्चुअल में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव पावर। तो आई होप कि ये रिएक्टिव पावर, रियल पावर आपको क्लियर हो गया रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपेरेंट पावर क्या है और पावर फैक्टर क्या है। तो अगले वीडियो के बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अब तक अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए। अगला वीडियो देखने के लिए जो आई का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको अगले वीडियो की तरफ लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।